अगर कॉकरोच के बारे में बताऊँ तो ये कैनिबलाइज होते हैं, यानी अपनी स्पीसीज को भी ये कंज्यूम कर लेते हैं। मान लो अगर इनको कुछ खाने को नहीं मिला भाई, इनका स्पीसीज उसको भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, समझ सकते हो भाई। हाँ तो देखो, इनका बॉडी कुछ होता है काइटिनियस प्लेट से बना होता है, जिसको हम लोग स्क्लेराइट्स कहते हैं, ठीक ना। अगर आप इसको 3D में विजुलाइज करोगे तो हर एक सेगमेंट को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये ऐसे कुछ रेक्टेंगल शेप, सॉरी रेक्टेंगल कर रहा हूँ, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक ना। जिसका ऊपर का जो सर्फेस होता है ये देख सकते हो, डॉर्सल प्लेट उसको कहते हैं, वो टर्गाइट्स होता है, ठीक ना। टर्गा सिंगल को ये टर्गा कहते हैं, ठीक ना। जो लेटरल प्लेट होता है यानी कि ये साइड वाले, ये और ये जो आपको पूरी दिख रही है, इसको हम लोग प्लूरॉन कहते हैं, यानी कि लेटरल प्लेट होता है, प्लूरॉन होता है, ठीक ना। और नीचे का जो आपको प्लेट दिख रहा है, ये नीचे का प्लेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल प्लेट। और ये क्या होता है, स्टरनाइट्स या स्टरना भी कहते हैं, ठीक है। और माउथ का सरफेस जो इसी पे होता है, मैंने कुछ यार फनी डायग्राम बना रखा है भाई, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है, बस इमेजिन करो, ठीक ना। और देखो ये इसको इससे कुछ कनेक्ट कर रहा है, यानी कि डॉर्सल प्लेट को वेंट्रल प्लेट से कनेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं, टर्गो स्टर्नल प्लेट कहते हैं। बाकी ये अर्थोराइडल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, देखो सभी